Hello friends, invest forever. मैं आपका स्वागत है जो कि पहले बॉस ऑफ शेयर बाजार हुआ करता था अब इन्वेस्ट फॉर एवर हमारे चैनल का नाम हो गया है सो डोंट बी कंफ्यूज एंड अगर बात करें आज की डेट की है, दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है आईआरसीटीसी ब्रेकआउट एज वेल एज बिरामल इंटरप्राइज ब्रेकआउट दोनों ने फिफ्टी टू वी खाई आज की डेट में ही लगाया है तो इन वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगी आप कितने परसेंट के रिटर्न विद इन अ ईयर कमा सकते हैं एज वेल एज़ अगर बात करें और कुछ चीज़ों की तो देखिए हम फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर सब चीज़ करते हैं

आई डोंट नो अबाउट यू बट मैंने कभी नाइन नाम नहीं सुना और बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं बात करें डिविडेंड की तो यहाँ पर पॉइंट सिक्स मतलब अगर बात करें साठ पैसे का यहाँ पर डिविडेंड दिया है

तो एक्सपेंस भी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं और रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा ओके और उसमें टैक्स घटा दिया जाए तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा तो अगर हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द टैक्स यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर फ्रॉम

यूनियन बैंक की अगर हम बात करें छोटा सा बैंक आपको नजर आता है छोटा ही इसका शेयर प्राइस है यहाँ पर स्टैंड लोन है ये कंसोलिडेट है इन इंडेक्स में पर रिजल्ट है एक बार यहाँ पर स्टैंड लो देख लेते हैं अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट इनकम तो क्योंकि इंटरेस्ट इनकम क्या इंटरेस्ट इनकम एक वो इनकम होती है जो मेन इनकम होती है तो अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट इनकम तो यहाँ पर आप देख लीजिए सॉरी इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसिस यहाँ पर इंटरेस्ट अन ए प्लस बी प्लस सी अगर प्लस डी यहाँ पर देखते हैं टोटल अदर है यहाँ पर तो ये टोटल की यहाँ पर सारी की सारी इंटरेस्ट अन डी है और बात करें इनको मिला के यहाँ पर टोटल इनकम जो बन रही है वो बीस हजार सॉरी हाँ सॉरी दो सॉरी बीस लाख दो हजार पाँच सौ निन्यानवे लैक्स इन रुपीज ओके इससे पहले यहाँ पर बीस हजार दस बीस लाख दस हजार था इससे पहले ग्यारह लाख तीस हजार था तो ईयरली बेसिस पे क्वार्टर यहाँ पर कंपनी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया लगभग टू एक्स कह सकते हैं और क्वार्टरली बेस की बात करें तो स्लाइटली यहाँ पर गिरावट है बट वो चलेगा लगभग फ्लैट कह सकते हैं और बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर फोर्टी लाख एटी फोर थाउजेंड है इस बार इससे पहले फोर्टी लाख था इससे पहले एट लाख सिक्सटी था तो एक्सपेंस भी यहाँ पर ईयरली बेसिस पे काफी बढ़ रहे

eps भी देखते हैं तो 4.62 है इससे पहले परसेंट इससे पहले 3.27 था इससे पहले 5.49 था येली बेसिस कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस यहां पर eps बढ़ा है तो ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी तभी आपको कोई डिसीजन लेना है एज वेल एज अगर यहां पर देख लेते हैं आप ये तो कंसोलिडेट था ओके okay? पर अगर था, अगर था बात करें था, की कंसोलिडेट में क्या आता है इसकी जो हो सब्सिडरीज होगी उसका भी एक आइडिया आ जाएगा और अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक मिनट नेट प्रॉफिट फॉर द आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर देख लीजिए एक लाख छब्बीस हजार दो सौ बारह इससे पहले सत्तर हजार पहले घाटे में थी तो सेम मतलब सेम ही यहाँ पर रेवेन्यू होते हुए दिखाई दिए है। कुछ है यहाँ पर खास फर्क होता हुआ नहीं दिखाई दिया है इसके बाद बात कर लेते हैं एक और बैंक की तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके इसके भी रिजल्ट इसके रिजल्ट मार्केट के टाइम पे ही आ गए थे आई डोंट थिंक सो so, इन्होंने किसी ने भी डिविडेंड दिया बट यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं इन इंडेक्स में ही है टोटल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर ए बी सी एबीसीडी को यहाँ पर एड कर देंगे तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी जो कि इन्होंने अर्न किया है बात करते हैं यहां पर टोटल इनकम इनकम की अदर को मिला के तो, 5, 5, 6, 6, तो क्वार्टरली बेसिस बैंक ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है क्योंकि इनके रेवेन्यू भी अच्छे है और उनका प्रॉफिट में भी है बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की तो यहाँ पर पांच लाख नौ हजार का था इससे पहले पांच लाख छत्तीस हजार पहले छह लाख बीस हजार तो

इन का पर प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में इस बार एक लाख चौतीस हजार नौ सौ इक्कीस रुपीज का यहाँ पर घाटा है इससे पहले एक लाख बावन हजार था तो यहाँ पर घाटा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है बट ठीक है यहाँ पर कम बैंक यहाँ पर घाटे में और घाटा किस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग यहाँ पर प्रोविजनिंग आई है ओके फिर यहाँ पर टैक्सेज यहाँ पर ज्यादा लगता हुआ दिखाई दे है तो ये सब चीज का इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा यहाँ पर एनपीएस देखना चाहते हैं तो एनपीएस देख लीजिए इस बार का एनपीएस सिक्सटीन पॉइंट फाइव फाइव है एटीन पॉइंट नाइन टू था तो अगर बात करें एक्सपेंस यहाँ पर इली बेस पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली यहाँ पर जंप है अगर बात करते हैं नेट न न की तो यहाँ पर देखिए फाइव पॉइंट है इससे पहले फोर पॉइंट था इससे पहले सेवन पॉइंट था तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली यहाँ पर एनपीए बढ़ रहा है तो इस चीज को आपको ध्यान में देखना पड़ेगा और सेंट्रल बैंक से दूर रहिए Uh, यहाँ पर मैंने पोजिशन बनाई थी शॉर्ट टर्म के लिए बनाई थी जो मैं एग्जिट हो चुका हूँ और अच्छा यहाँ पर गेन मिल uh, गया था ट्वेंटी थर्टी परसेंट का और फिर उसके बाद गेन एग्जिट तो अगर बात करें यहाँ पर मिसिस uh, बैक्टर की तो यहाँ पर न्यू लिस्टिंग uh, यहाँ पर कंपनी नजर आती है आपको बताइए और दो रुपए चालीस पैसे का यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड दिया है और ये जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और आपको बताया था ये नीचे गिरेगा तो उसके बाद गिरा भी था और हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा इसने जंप भी लगाया है और सौ तक यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अगर बात करते हैं इन मिलियंस में यहां पर इसके रिजल्ट है ये इस बार के क्यू थ्री के क्यू फोर के लास्ट ईयर के टोटल इनकम की बात करें तो 000, 000, से पहले दो हजार एक सौ उन्नीस मिलियंस इससे रुपीज दो हजार एक सौ अड़तीस था इससे पहले एक हजार आठ सौ तिहत्तर था तो पर टोटल है। की अगर बात करें, कम है या फिर कह सकते हैं पर, आ, है, पर रिजल्ट, आ, पर टोटल, है। टोटल एक्सपेंस की बात करें थाउजेंड सॉरी नाइन सिक्सटी फोर इससे पहले रुपीजी था अगर बात करें यहाँ पर एक्सपेंस इली क्वार्टरली बेस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं टैक्स की बात करें वन फिफ्टी फोर मिलियन से रूपीज से पहले टू फिफ्टी से पहले वन फाइव वन ईयरली वाइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फ्लैट कह सकते हैं बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है सेम यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स एक सौ तेरह नाइन पहले मिलियन था इससे पहले पहले वन था तो ईयरली बेसिस भी यहां पर पर भी गिरावट नजर आ रही है आफ्टर टैक्स और क्वार्टरली बेस पे भी यहां पर भी पर गिरावट नजर आ रही है तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान देना होगा ओके यहाँ पर ईपीएस भी देख सकते वन पॉइंट है इससे पहले थ्री था इससे पहले टू था तो यहाँ पर कंपनी ने लॉस बुक किया है ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे मिसेस बैक्टर

से पर क्वार्टरली और बेसिस का कोई भी पर डाटा नहीं है बट अगर पर टोटल केवल देख लेते हैं इस इनकम तो हाँ, की टोटल इनकम है इसके बाद एक्सपेंस की बात करें तो सिक्सटी थाउजेंड टू इन रुपीज का यहां पर टोटल एक्सपेंस है और प्रॉफिट की बात करें तो तीन हजार आठ सौ उनसठ

डिविडेंड दिया सॉरी यहां पर फोर रुपीज का यहाँ पर डिविडेंड दिया थ्री रुपीज का डिविडेंड लास्ट क्वार्टर में दिया था और जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर गिरा भी था तीन रुपए का डिविडेंड पर जो छोटी टायर कंपनी थी उन्होंने अच्छा बीस बीस तीस रुपए का दिया था, तो इस से पर नाइन फोर रुपीज का दिया है, तो इस को देखना बात करें, पर रिजल्ट की टोटल इनकम चार हजार करोड़ इससे पहले छह चार हजार से पहले तीन हजार छह सौ बयासी तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है जो अच्छी बात है एक्सपेंस की बात करते हो चार करोड़ का यहां पर एक्सपेंसिस से पहले तीन 950 इसे भाई थी 1390 तो इयरली क्वार्टरली वाइज यहां पर एक्सपेंसिव बढ़ते हुए नजर आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 430 करोड़ इससे पहले 680 करोड़ के आसपास इससे पहले 29191 करोड़ तो अगर बात करें इयरली वाइज तो यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है बट क्वार्टरली वाइज यहां पर भारी गिरावट है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं जो नेट प्रॉफिट है तीन सौ सत्रह करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इससे पहले पांच सौ ग्यारह करोड़ का था इससे पहले छह सौ सत्तर करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था तो कंपनी का ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस में पर बहुत बड़ी पर गिरावट नजर आ रही है किसमें प्रॉफिट में तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना दूसरी जो कंपनी है बालाकृष्णन एज वेल एज सी एट इनके रिजल्ट काफी बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए और सी एट में ब्रेकआउट भी है जो की हमने कल यहाँ पर वीडियो में देखा भी था यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर अच्छा खासा गेन मिल सकता है तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा लिंक आपको दे दूंगा बाकी ईपीएस की बात करें तो कितना चल रहा है? पेड पर पर देखना पड़ेगा मिनट। ओके ओके शायद नहीं दे रखा नॉट एन इश्यू अगर बात करें यहां पर रिजल्ट की तो रिजल्ट, काफी अच्छे काफी सारी के, के, रिजल्ट थे। जुबिलेंट के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं बात करें यहाँ पर सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक से दूर रही है मिसेस बैक्टर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं ब्रिटानिया के कॉम्पिटिटर है सेम रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए सेंट्रल बैंक के रिजल्ट कुछ खास नहीं है एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर यूनियन बैंक के रिजल्ट काफी बेहतरीन है इसे देख लीजिएगा कल शायद भागते हुए दिखाई दे और यहाँ पर बात करें नई कंपनी जो हमारे हमने पकड़ी है इसका नाम यूके in इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है तो देखना पड़ेगा इसे भी बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और किसी पर्टिकुलर वीडियो से शेयर रिलेटिव चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए सो थैंक यू सो मच फॉर्ड ब्लेस